भारत में सड़क हादसे एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में मौत सड़क हादसों के कारण होती है। कुछ में लापरवाही होती है तो कुछ केसेस अलग होते हैं। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि जिस गाड़ी से आप चल रहे हैं वो किसी हादसे को झेलने में कितना सक्षम है। भारत में कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत कम है। कीमत कम है तो क्या गाड़ी सुरक्षित है, एक सवाल भी उठता है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसे हम ग्लोबल एनकैप के नाम से भी जानते हैं, इनके क्रैश टेस्ट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिसने शानदार परफॉर्म किया। हम बताते हैं 7 लाख रुपए से कम कीमत वाली गाड़ियों के बारे में कि आखिर ग्लोबल एनकैप में कितनी रेटिंग इन गाड़ियों को मिली है। सबसे पहले बात टाटा की एल्ट्रोस की, जिसे 5 स्टार मिले हैं। टाटा की शानदार गाड़ी को ड्राइविंग के लिहाज से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। मतलब अगर कोई हादसा होता है तो टाटा की ये कार उसे झेलने में काफी हद तक सक्षम है। हालांकि टाटा की गाड़ियों की ये खासियत रही है कि उनकी गाड़ियां मजबूत होती है, तो चाहे वो पुरानी वाली टाटा सफारी हो या फिर टाटा के इंडिका। इसके बाद बात आती है टाटा टियागो और टिगोर की। इसकी रेटिंग है 4 स्टार। टाटा की ओर से लॉन्च की गई हैचबैक टियागो और सेडान टिगोर को ड्राइविंग के लिहाज से क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग दी गई है। 4 स्टार रेटिंग को भी काफी हद तक अच्छा माना जाता है। इस रेटिंग का मतलब ये रहा कि इस कार में सुरक्षा के लिहाज से काफी ख्याल रखा गया है। रेनो ट्राइबर, जिसे मिला है 4 स्टार। रेनो की कॉम्पैक्ट एसयूवी ट्राइबर को भी ड्राइविंग के लिहाज से क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग दी गई है। लंबे वक्त के बाद रेनो ने अपने मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करने के लिए इस कार को उतारा था। इससे पहले क्विड ने रेनो की पहचान फिर से भारतीय बाजार में बनाई थी। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, इसे मिले हैं 2 स्टार। मारुति की सबसे पॉपुलर कार में से एक है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसके कई मॉडल कंपनी ने बाजार में उतारे। काफी पुरानी गाड़ी है, बदलाव वक्त वक्त पर होता रहा। नई स्विफ्ट की बात करें तो इसे क्रैश टेस्ट में रेटिंग मिली है सिर्फ और सिर्फ 2। मारुति सुजुकी वैगनार, इसे भी 2 स्टार रेटिंग मिली है। मारुति की फैमिली हैचबैक कार, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं, यानी वैगनार। इस कार को वक्त वक्त पर कई बार बदला भी गया और अब आई नई वैगनार को ड्राइविंग के लिहाज से क्रैश टेस्ट में 2 स्टार रेटिंग दी गई है। ह्युंडई ग्रैंड i10 NIOS, स्टार रेटिंग है सिर्फ 2। ह्युंडई ने अपनी i10 को नए अवतार में लॉन्च किया था, जिसका नाम ग्रैंड i10 NIOS रखा, लेकिन ड्राइविंग के लिहाज से क्रैश टेस्ट की बात करें तो रेटिंग इस कार की सिर्फ 2 स्टार है, मतलब कुछ खास नहीं। ह्युंडई सेंट्रो, इसे भी मिले हैं 2 स्टार। ह्युंडई की सेंट्रो को भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में कुछ खास अच्छी रेटिंग नहीं मिली है। इस कार को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि सेंट्रो एक जमाने में काफी अच्छी गाड़ी मानी जाती रही थी, लेकिन अब इस कार में काफी कुछ बदलाव हुए हैं और एक नए लुक के साथ ये कार फिर से भारतीय बाजार में मौजूद है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, इसे मिले हैं 0 स्टार। मारुति की एस्प्रेसो, जिसे कंपनी ने एक तरह से हर घर तक कार को पहुंचाने के मकसद से उतारा था। कीमत काफी कम है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये गाड़ी फेल हो गई है। इस कार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में ड्राइविंग के लिहाज से 0 स्टार की रेटिंग मिली है। खैर, ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में टाटा की गाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसके बाद महिंद्रा की कुछ गाड़ियों को भी अच्छी रेटिंग मिली है। ये रिपोर्ट भारतीय सड़क के हिसाब से है। हालांकि ये रिपोर्ट है, असल सुरक्षा आपके और हमारे हाथ में ही है। सड़क पर संयम बरतें, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखें और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग को एंजॉय करें।